देखिए, अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। तस्वीर यह है जो किसी भी दल को हम अगर बात कर लें, चाहे इंडिया की या फिर आईएनडी की, मतलब इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की, किसी भी दल को, घटक दल को जो है बहुमत स्पष्ट मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिहाजा ऐसे में जो है जोर तोर की स्थिति जो है, या तोर फोर की स्थिति कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि फोन आने जो है, उम्मीदवार हो या फिर वरिष्ठ लीडर हो, फोन आने शुरू हो गए हैं। और इस तमाम जानकारी पर बात करेंगे, बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी आशुतोष जी, जानेंगे इनसे। फोन आने शुरू हो गए आशुतोष जी, क्या लग रहा है, अब क्या होगा आगे? देखिए, जो दल की बात कर रहे हैं, गठबंधन में अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के पास जो फिलहाल रुझान है वो 289 के पास आ रहा है, यानी 290-95 के आसपास में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा छू रहा है। 543 लोकसभा की सीट है, 272 चाहिए। लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी को 272 चाहिए और 235 के आसपास बीजेपी अपने बूते लाते हुए दिख रही है। ऐसे में हिंदी अलायंस जो है उसको भी 236 के आसपास उसका आंकड़ा भी पहुंच चुका है और 18 अदर्स हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं तो 36, 40, 44 या 254 के आसपास इसको भी हो जाता है। ऐसे में हिंदी अलायंस को लगता है कि अगर कुछ फिगर एनडीए का कम होता है और एनडीए अलायंस में जो दल शामिल हैं जिनके पास अच्छी खासी सीटें हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पाले में आ जाते हैं, तो फिर हम भी सरकार बना सकते हैं। वैसे ये रुझान है और शाम तक क्लियरिटी आएगी, लेकिन अभी से ही संभावनाएं तलाशने शुरू हो गए हैं। और इसी को लेकर शरद पवार जो अब तक एग्जिट पोल या बाकी जगह से जो सुन सुन कर मतलब इनएक्टिव रहते, सक्रिय नहीं थे, वो एक्टिव हो गए हैं। और खबर ये आ रही है कि शरद पवार ने तुरंत नीतीश कुमार को फोन मिलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर बिल्कुल है, कंफर्म बिल्कुल कोई नहीं कर बिल्कुल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल नीतीश कुमार को उन्होंने फोन मिलाया है, बातचीत हुई भी है उनकी, और उन्होंने इंडी अलायंस में आने का उनको न्योता दिया है। इसके अलावा शरद पवार ने तेलुगु देशम पार्टी के जो सुप्रीमो है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू जिनकी बीजेपी के साथ जिनका गठबंधन है और आंध्र प्रदेश में राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें सरकार भी बन रही है भारी बहुमत से, तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ने की कोशिश की है, उनको भी इंडिया अलायंस में आने का न्योता दिया है। अब जब शरद पवार एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी को भी लगने लगा है कि अपने बूते वो सरकार बना नहीं सकती है, सहयोगी दलों की बेहद जरूरत पड़ेगी, इस लिहाज से अब बधाई देने के नाते हो या फिर साधने की बात हो, इंटैक्ट रखने की बात हो, इसके चलते अमित शाह की तरफ से भी फोन मिलाया जाने लगा है। और उन्होंने जो भी संभावित जो प्रत्याशी हैं, जो जीत सकते हैं, जीतने वाले हैं या निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके हैं, उनके पास अमित शाह ने भी फोन करना शुरू कर दिया है। खबर है कि जैसे कि चिराग जनरल मांझी पासवान को को भी भी उन्होंने जी बधाई दी है, अग्रिम बधाई दे दी है, हालांकि अभी राउंड कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन जीते हुए नजर आ रहे हैं वो। उसी तरीके से जीतन राम मांझी को भी अमित शाह ने फोन मिलाया है, उनको भी बधाई दिया है, और कल एनडीए की जो बैठक होने वाली है उसमें आने का न्योता भी दिया है कि आप दोनों लोग आइए, जी एनडीए की बैठक में निर्णायक बातचीत होगी। और इस दौरान ये बातचीत करने का मतलब यह है कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि सहयोगी दल कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जीतन राम मांझी के पास अपनी एक सीट है, चिराग पासवान के पास 5 सीट है, और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहा है नीतीश कुमार के पास 14 सीट है, तो 14, 5, 19, 1, 20 सीट आज की तारीख में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अगर कहीं से इधर उससे उधर चले जाते हैं तो सरकार बन सकती है, गिर सकती है, यानी कि जो सरकार बनाने की स्थिति में है वो अल्पमत में आ जाएंगे और जो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है वो बहुमत में आ जाएंगे। तो ये संभावनाएं तलाशनी शुरू हो गई है। और खबर तो ये भी आ रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को भी फोन मिलाया था, लेकिन फोन शायद स्विच ऑफ आया है, तब जाकर के उन्होंने सम्राट चौधरी को भेजा नीतीश कुमार से मिलने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के पास जब तक सम्राट चौधरी पहुंचते तब तक नीतीश कुमार वहां से रवाना हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, कुछ पता नहीं है। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से चल रही है, चर्चा चल रही है, खबरें आ रही है छन छन के, अभी कोई कंफर्म नहीं किया है। वैसे मदन सहनी की बात करें या किसी तरह की बात करें, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, एक मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से एनडीए में हैं, पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है परिस्थिति के मुताबिक, तो
सबसे ज्यादा डर बीजेपी को से सता रहा है तो वो नीतीश कुमार से सता रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी न मार दे। और आज की तारीख में नीतीश कुमार निर्णायक भूमिका में है, कहते भी रहे हैं कि हम जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। तो इस तरीके से जोर तोड़ गुना भाग संभावनाएं तलाशनी शुरू हो गई है। शाम को राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट है। कई चीजें जो उम्मीदवार की बात करें, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया था आरा में, आर के सिंह वो पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि नित्यानंद राय हो या फिर राजीव प्रताप रूडी हो, ये तमाम लोग आगे चल रहे हैं। बिहार में कुल मिलाकर के उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई है। तो ये सब सोचने समझने की चिंतन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है एनडीए में, और जश्न एक तरीके से कोशिश चल रही है कि हम एनडीए को हटा करके इस बार कांग्रेस की सरकार लाए। इसके लिए जो कांग्रेस को थिंक टैंक है या एनडीए अलायंस के जो घटक दल हैं, जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी। अब देखिए शाम होते होते परिणाम में, जब रुझान परिणाम में तब्दील होता है, तब जाकर के क्लियरिटी आएगी कि कौन किसके साथ रहेगा। वैसे इन संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया सकता है कि पलटी मारने वाले मार भी सकते हैं। बार्गेनिंग होगी कि हमें इतने मंत्री पद चाहिए, हमें ये मंत्रालय चाहिए, ये तमाम चीजें होती है। और उस पर ये बार्गेनिंग दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब पिछली बार जेडीयू कैबिनेट में शामिल होने जा रहा था, नीतीश कुमार से संपर्क, नीतीश कुमार को बुलाया गया था, तब कहा गया था कि आपके कोटे से सिर्फ एक बनाया जाएगा। वैसी स्थिति इस बार नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जो चाहेंगे, जितने मंत्रालय चाहेंगे उतने मंत्रालय मिलने जा रहा है उनको, जो स्थिति है अभी फिलहाल। वैसे ही इंडिया अलायंस वाले भी उनको ऑफर कर रहे होंगे कि आप आइए हमारे साथ, वो जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा हम दे देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सब राजनीति में सारी चीजें चलती रहती है, देखते हैं क्या होता है आगे। अंशु, बिल्कुल आगे देखने वाली बातें हैं, क्योंकि लगातार उठा पटक का दौर जो है वो शुरू है, और तोड़ फोड़ की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं आने की जो आहट सूत्रों के माध्यम से वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शाम होते होते तस्वीरें साफ हो पाएगी जो कौन सरकार बनाने जा रहा है, या फिर किस दल का क्या एक्टिविटी है, वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि जो अभी तक जो सामने आया हुआ है उसमें यह है 293 पर एनडीए है, 231 पर जो है इंडिया है, ये आगे बढ़त बनाए, और 19 जो है अदर है। तो शाम होते होते सभी चीजें जो है क्लियर होगी, और आपको तमाम अपडेट जो है ऐसे ही हम समय समय पर देते रहेंगे। बरहाल ऐसे अन तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे आईवी टीवी के साथ।